एसी से बैन किए जाने के बाद सार्वजनिक दिखे सीएम योगी। हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर में लगे जय श्री राम के नारे। सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन भी मौजूद रहे। बैन पर चुनाव आयोग को सीएम योगी आदित्यनाथ का जवाब, कहा बजरंग बली में मेरी अटूट आस्था है, किसी को बुरा लगने पर अपनी आस्था नहीं छोड़ सकता। भाषण से फर्जी धर्मनिरपेक्ष लोगों का पर्दाफाश किया। दरअसल सीएम योगी और मायावती पर कल चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। 48 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकती मायावती, जबकि सीएम योगी के प्रचार पर 72 घंटे की रोक लगी। आजम खान की बेटी अब्दुल्ला खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा मुसलमान होने के नाते बैन लगाया गया, कहा चुनाव आयोग ने सफाई देने का मौका तक नहीं दिया। और एसपी बीएसपी और आरएलडी गठबंधन की संयुक्त रैली आज। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह करेंगे जनसभा आगरा कोठी मीणा बाजार मैदान में। दोपहर 12:30 बजे ये रैली होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज जाएंगे फिरोजाबाद। केशव प्रसाद मौर्य कस्बा खैरगढ़ में करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रेशन जानूद के समर्थन में करेंगे जनसभा। केशव प्रसाद मौर्य लोगों से करेंगे वोट डालने की अपील। ओम प्रकाश राजभर ने अपने 24 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा और इतिहास में पहली बार 325 सीट से जीती। देवरिया में अपराधियों के हौसले बुलंद, एक युवती को सिरफिरे सरेआम ने चाकू मारा। स्थानीय लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल तक पहुंचाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। अधिकारी मौके पर पहुंचे। नोएडा के थाना 39 क्षेत्र सेक्टर 81 मेट्रो स्टेशन के पास 6 वर्षीय बच्चा खुले नाले में गिरा और सूचना पाकर मौके पर पुलिस सहित फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने रेस्क्यू किया और कई घंटे रेस्क्यू के बाद भी 6 वर्षीय सौरभ की मौत हुई। बुलंदशहर के झुग्गियों में लगी आग, कई झोपड़ियां जलकर हुई खाक। इस दौरान झुग्गी में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और झांसी में कटी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मचा। आनन फानन में ग्रामीण व दमकल विभाग ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।